नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। तो आज ये जो प्रोजेक्ट है इसका ये फाइनल वर्जन है, ये वर्जन 3 है, ठीक है। अगर आपने वर्जन 1 और वर्जन 2 को आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके वर्जन 1 और वर्जन 2 को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम, होम ऑटोमेशन, आयर रिमोट, एलसीडी, स्विच, पॉट, ईपीरोम एंड बजर, ये सब फंक्शन इसमें है, ठीक है। तो वर्जन 2 में जो था वो आयर रिमोट, एलसीडी, स्विच, ये सब था, ठीक है। लेकिन ये 3 ऐड हुआ है, ईपीरोम भी था लेकिन स्विच जो था वो पुश बटन था, ठीक है। अभी पॉट सिस्टम ऐड हुआ है, बजट सिस्टम ऐड हुआ है, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएमपी करके, ये टेम्परेचर सेंसर है। जो फैन का जो रेगुलेटर है वो अगर ऑटोमेटिक मोड पे आप रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये अप डाउन होगा, ये इसका स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉट भी लगा दिया, क्योंकि जो बोर्ड में, यहाँ पे आपको मैं इसके बाद दिखाऊंगा प्रैक्टिकली बोर्ड का लाइव, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा बोर्ड में स्विच रहता है, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच, वही स्विच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड स्विच है, ठीक है। तो देखिए स्लाइड स्विच जब ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है, जब इसको ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन पुश बटन में ऐसा नहीं होता था, पुश बटन में ऑन होके ऑफ हो जाता था तो ये ऑन रहता था, फिर ऑन होके ये कनेक्ट होके डिसकनेक्ट हो रहा था तब ये ऑफ होता था, ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो ये ठीक से काम करता है। अभी क्या है, अभी देखिए यहाँ पे बटन 2 को ऑन किया तो बल्ब 2 ऑन हो गया। अभी रिमोट से इसको ऑफ कर सकते हैं, देखिए रिमोट से ऑफ हो गया, ठीक है। अभी बल्ब 3 ऑन है रिमोट से, ठीक है। तो इसको बटन से आप ऑफ कर सकते हैं, देखिए क्या करना होगा आपको, ये बटन 3 है तो इसको एक बार ऑन करके ऑफ कर देना होगा, तो फिर बल्ब 3 ऑफ हो गया, यहाँ पे एलईडी ऑफ हो गया। तो ये तीनों एलईडी 3 रिले में लगेगा, आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। ये तीनों ट्रांजिस्टर से होके रिले में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आयर सेंसर है, यहाँ पे 4 स्विच है, 4 स्विच किस लिए है वो हम डिटेल में दिखाएंगे। लास्ट वीडियो में यहाँ पे 4 चैनल दिखाया था, 1 2 3 4, और एक एलईडी था, लेकिन इसमें एक चैनल को हटा के यहाँ पे फैन सेटिंग कर दिया है, फैन का रेगुलेटर। तो अभी देखिए ये जो मोड में है, रिमोट मोड पे है, तो रिमोट का सिस्टम में ही इसका मेन सिस्टम है, क्योंकि जब हम ये बल्ब ऑन ऑफ तो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने एक दिखाया था एसी डिमर का, जो एलईडी होके एलडीआर से सिग्नल जाके उसके बाद वो जो BT136 है वो अप डाउन हो रहा था, वही सिस्टम को इसमें ऐड किया है। हम बोर्ड में भी देखेंगे इसका डेमो, पहले ये सिमुलेटर में आपको समझा देते हैं, उसके बाद बोर्ड में जाएंगे, इसका कोड भी समझा देंगे। यहाँ से कोड जो है, कोड को मैंने अच्छी तरीके से इसको करेक्शन कर दिया है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका आप रिमोट से यूज़ कर रहे हैं तो रिमोट से आप फ़ैन को बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अभी फ़ैन 1 पे है, ऑन हो गया, यहाँ पे देखिए 22 23 RPM में घूम रहा है, ठीक है, मतलब स्लो घूम रहा है। अभी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक एलईडी लगेगा, वही एलईडी के साथ एक एलडीआर लगेगा, एलडीआर के साथ वो जैसा मैंने लास्ट टाइम वीडियो में सर्किट में दिखाया था आपको, ठीक है, एसी डीमर का वैसा ही आपको सिस्टम यहाँ पर बनाना है। तो मान लीजिए ये 5 में, ये डायरेक्ट हम लोगों ने 5 बटन सेट किया है, यहाँ पर 10, ठीक है, मतलब ये फुल स्पीड, ठीक है, 10 पे ये फुल स्पीड में ये 5555 RPM में घूम रहा है, ठीक है। तो ये 10 पे आ गया, तो इसका अगर लो करना है तो लो कर दिया, मान लीजिए 5 पे है। अभी रिमोट आपका रख दिया, अभी मैन्युअली आपको करना है, तो मैन्युअली कैसे करेंगे, मैन्युअली करने के लिए मैन्युअली आपके पास क्या है, बोर्ड में, बोर्ड में ये स्विच रहेगा और ये पॉट रहेगा, ठीक है, रेगुलेटर के लिए। तो क्या करना होगा आपको, देखिए पॉट घुमा रहे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो रिमोट तो आपके पास नहीं है, क्या करना होगा, ये फ़ैन का स्विच है, ठीक है, लेकिन फ़ैन का ये स्विच नहीं है, ये पॉट का स्विच है, पॉट को एनेबल करता है। तो ये स्विच को ऑन करते हैं, ये ऑन करने के बाद पॉट मोड पे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी इसको अगर ऑन करके ही रख दिया, मान लीजिए ये 5 में रख दिया, अभी आप रिमोट पे आ जाइए, अभी रिमोट में इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, अभी देखिए अगर बढ़ाएंगे इसको तो ये 6 दिखा रहा है लेकिन 5 में ही रहेगा, क्योंकि इसमें पॉट मोड पे है, इसको आपको मोड चेंज करना होगा। देखिए ये ऑटो मोड पे आ गया, ऑटो मतलब ये सेंसर मोड, ठीक है, और ये आ गया मैनुअल मोड, मैनुअल मोड मतलब इस मोड पे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए 5 में है तो ये तो रिमोट में काम नहीं करेगा, फिर से इसको आयर मोड में लाना पड़ेगा। आयर मोड में लाने के बाद अभी ये पॉट से काम नहीं करेगा, ये बटन से काम करेगा, देखिए ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी ऑन है, इसका कोई ये नहीं है। फिर से आपको अगर मैन्युअली करना है तो इसको ऑफ करके फिर से ऑन करना है तो ये मैन्युअली आ जाएगा।
मतलब आप चाहें तो बोर्ड से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहें तो रिमोट से भी कर सकते हैं। अगर बोर्ड से कर रहे हैं तो बोर्ड से भी आपका काम होगा। मान लीजिए ये 3 नंबर बल्ब हमने ऑन कर दिया, तो इसको ऑफ़ करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए 3 नंबर ये बटन है, इसको ऑन करके ऑफ़ कर दो तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, ये LED भी ऑफ हो गया। और ऑटो मोड भी है, मैंने बोर्ड में अभी तक सेटिंग नहीं किया हूँ क्योंकि ये सेंसर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल होगा तो इसका थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि क्योंकि जो टेम्परेचर रहेगा करंट, तो उसके हिसाब से कितना ये वैल्यू में होना चाहिए उसका भी थोड़ा मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर हिसाब से वो भी मुझको फील करके करना होगा, ठीक है, कि टेम्परेचर इधर इतना है तो कितना स्पीड से फ़ैन घूम रहा है उसके हिसाब से ये फिक्स करना होगा। तो इसका भी थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। देखिए अभी ये 25 में है, तो 25 में ये है 4 में, ठीक है, इसको इसको अगर बढ़ाएंगे, देखिए ये एकदम थोड़ा सा बढ़ाना होगा क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो पॉइंट में अप डाउन होने से फीलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। देखिए अभी 20 22 में ये 0, मतलब 22 मतलब आपको शायद मालूम होगा कि फ़ैन चलाने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 23 में ये 2 पे शो कर रहा है, लेकिन 23 में भी फ़ैन चलाने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। 24 से 25 26 27 8, ठीक है, देखिए 25 में ये 5 आएगा शायद, ये थोड़ा सा ही बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब ठीक से ये नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए 25 में ये 4 दिखा रहा है, 27 में ये 7 दिखा रहा है, तो ऐसे है, 28 में ये 10 दिखा रहा है। तो ये इसमें तो बहुत सारा वैल्यू है लेकिन इतना वैल्यू ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 24 से 27 या उससे अबव, अगर 27 से अबव होगा तो ये 10 से ऊपर रहेगा, 24 से नीचे रहेगा तो ये ऑफ हो जाएगा या फिर 1 पे, तो ये ऐसा कंडीशन पे है ये, ठीक है। तो इसको हमने अभी मेन कोड में ऐड नहीं किया है, ठीक है। आपको अगर ये कोड चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, ये कोड भी आपको मिल जाएगा, ये टेम्परेचर सेंसर वाला, लेकिन मैंने जो इसमें कोड में मैंने बोर्ड को रेडी किया है तो उसमें ये फंक्शन मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ ये 2 मैनुअल और IR मोड को ऐड कर दिया। तो मैनुअल मोड में ये पॉट को घुमाने से आपका ये फ़ैन का स्पीड कंट्रोल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर का भी सिचुएशन कैसे बदल रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कोई फिक्स नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन था मतलब 1 2 3 4 5 to 10 वही वैल्यू को इस पॉट के साथ एडजस्ट में लगा दिया, मतलब 0 ये पूरा घुमा देंगे तो 0 हो जाएगा ऐसे। मान लीजिए ये ऐसा मोड पे है, IR रिमोट पे है और ये 6 पे है, तो पॉट तो अभी काम नहीं कर रहा है, तो फैन आपको मैन्युअली ऑफ़ करना है। मैन्युअली ऑफ़ करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो स्विच है इसको एक बार ऑन करना होगा, तो ये पॉट मोड पे आ जाएगा, इसको कम करके एकदम 0 पे लाना पड़ेगा और ये स्विच को ऑफ कर दीजिए, बस हो गया, इतना सा काम है। और बजर का जो फंक्शन है, बजर का भी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो आपको दिखा देते हैं एक मिनट। तो बजर को यहाँ पे पॉजिटिव में कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन इसमें जो सिमुलेटर में जो बजर का सिस्टम है उसमें ये नोट एडजस्ट करना होता है, नहीं तो ये ठीक से साउंड नहीं देता, तो जो साउंड देता है उसी को आपको सुना देते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से साउंड करता है, तो ये सिमुलेटर का साउंड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बीप करके साउंड देगा। तो ये इसको मैनुअल में कर सकते हैं, देखिए ये 2 पे आ गया, ठीक है, इसको मान लीजिए ये बल्ब 3 को ऑन कर दिया। अभी प्रॉब्लम एक हो सकता है आपको कि बल्ब अगर ऑन कर दिया आपने यहाँ से स्विच से और अगर रीसेट हो गया, मतलब EPROM का काम ये काम कर रहा है, ठीक है, मतलब बल्ब ऑन है और ये फ़ैन 2 पे है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको आपने ऑफ किया यहाँ से रिमोट से, तो रिमोट से ये बल्ब 3 ऑफ हो गया और लाइट को भी जला दिया, लेकिन जब आपको रीसेट होगा, मतलब मान लीजिए ये करंट चला गया लेकिन स्विच जो ऑन है ये स्विच ऑन को ही पकड़ेगा, ये थोड़ा सा डिले हो गया एक मिनट, रीसेट करने पर ये इतना बड़ा कोड है ना तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो आप बोर्ड में करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे फैन ये बल्ब 3 जो है वो अभी तक ऑन है क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन है, तो आपको फिर से स्विच को ऑफ करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ से बल्ब 3 को ऑफ करना होगा। तो EPROM फंक्शन जो है वो स्विच में काम नहीं कर रहा है लेकिन रिमोट से काम करेगा आपका, ठीक है। तो स्विच को मैनुअल स्विच को आपको ऑफ ही रखना होगा तभी EPROM फंक्शन काम करेगा ठीक से। देखिए ये 2 बल्ब 2 और बल्ब 3 को ऑन कर दिया, फैन को मान लीजिए 5 पे कर दिया, ठीक है,
तो फ़ैन को 5 पे कर दिया, अभी रिसेट कर दिया इसको। तो रिसेट करने के बाद वही स्टेट में, वही सिस्टम में ये आ जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आ गया। देखिए लास्ट स्टेट जैसा था वैसा ही आ गया, ये फ़ैन भी घूम रहा है। तो यही सिस्टम है, फिर से रिसेट करके देखिए ये तुरंत अभी काम कर रहा है। ये ऐसा हैंग हो जाता है कुछ टाइम के लिए, कोई बात नहीं। ये देखिए दो बल्ब 2 बल्ब 3 ऑन है और ये फ़ैन भी 5 मोड पे ही है, तो ये ठीक ही काम कर रहा है। इसका मैंने इसको डिस्कनेक्ट करके रखा था क्योंकि ये साउंड बहुत ही बुरा साउंड कर रहा है, तो इसके लिए इसको डिस्कनेक्ट करके रखा था। तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया, इसके कोड के बारे में आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आप बोर्ड में आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट जैसा था वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने नहीं लिया क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। ये ब्लूटूथ का भी हटा दिया, ब्लूटूथ कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए पिन बचा ही नहीं है। 8 और 9 नंबर पे हम लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए ये 8 नंबर पे बजर लगा दिया और 9 नंबर पे हम लोगों ने ये AC डिमर का जो आउट जा रहा है वो लगा दिया। तो इसके लिए ब्लूटूथ को भी हटा दिया, ब्लूटूथ का ज़रूरत नहीं है, रिमोट से ही काम होगा। और यहाँ पे सेंसर और टेम्परेचर का सेंसर लगा दिया, यहाँ पे 5 में पॉट सेंसर है, इसमें टेम्परेचर 4 में, ये 4 में टेम्परेचर सेंसर है, ओके। और इसमें कुछ कुछ चेंजेस है बटन के लिए, क्योंकि ये जो बटन है ये अलग बटन है, ठीक है। ये ऑन ऑन होके ऑन रहता है, ऑफ होके ऑफ रहता है, तो इसके हिसाब से ही ये प्रोग्रामिंग है। तो इसमें जो भी जीरो क्रॉसिंग का जो भी फंक्शन था उसको हटा दिया है, ठीक है। इसमें कुछ मैनुअल बार ऐड किया है, आपको शायद दिखा होगा, दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए जब हम इसको IR मोड पे लाते हैं तो IR मोड पे ये क्या काम करता है, जब इसको बढ़ाते हैं, देखिए बिग स्क्रीन पे बड़ा बड़ा फ्रंट से ये 1 2 ये फंक्शन ऐड किया है, ठीक है। मतलब ये 1 सेकंड के लिए शो करेगा, तो आपको दूर से भी दिखेगा, बेड से भी दिखेगा कि ये कौन सा मूड पे गया, ठीक है। मान लीजिए 10 पे कर दिया तो 10 में ये हाई दिखा रहा है, ये फैन 50% में दिखा रहा है। तो ये सिस्टम इसको ऐड किया है, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन भी ऐड किया कि जैसे कि फ़ैन को डायरेक्ट ऑफ़ करना है तो 0 बटन प्रेस करने से ये ऑफ़ हो जाएगा। इसको आपको IR का जो भी डिकोडिंग का वैल्यू रहेगा उसको आपको यहाँ पे बैठाना होगा। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए। और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। और चलिए अभी आपको बोर्ड से इसका डेमोस्ट्रेशन भी दिखा देते हैं, ठीक है, कि कैसे काम करता है। उसके बाद आपको लाइव डेमो भी दिखाएंगे एकदम AC में लगा के, ओके। तो आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल स्टेट में ये ऐसा आ रहा है, बल्ब 1 इज़ ऑफ, बल्ब 2 इज़ ऑफ, बल्ब 3 ऑफ एंड फैन इज़ ऑफ, ओके। यहाँ पे 0 है। तो देखिए ये रिमोट है, ठीक है, लास्ट टाइम इसी रिमोट से हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया था। देखिए 1 नंबर दबाते हैं तो बल्ब 1 ऑन हो गया, एक बीप करके साउंड आया। 2 नंबर ये बल्ब 2 ऑन हुआ, 3 नंबर बल्ब 3 ऑन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे फैन का कंट्रोल के लिए ये अप डाउन, ठीक है, तो आप करेंगे, देखिए आप कर रहा हूँ अभी, ये जो है ये आप नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अप डाउन काम नहीं कर रहा है, देखिए 1 आ रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 मोड ऐड हुआ है। ये मेनू बटन जो है, ये मेनू बटन से इसका मोड चेंज होगा, फैन का जो मोड है वो चेंज होगा, देखिए आप। तो अभी जो मोड है उसमें ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है। अभी देखिए मैनुअल मोड है, तो मैनुअल मोड में ये जो फैन का जो अप डाउन है रिमोट से काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें बीप का साउंड आ रहा है लेकिन कुछ भी अप डाउन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो क्योंकि मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड में ये पॉट से काम करेगा, ठीक है। इसको रेगुलेटर के रूप से हम लोग बोर्ड में लगा देंगे, तो वहाँ से ये देखिए फैन मोड 10 हो गया, फैन ऑन है। और इसको जब उल्टा घुमाएंगे तो ये डाउन हो रहा है और ये ऑफ, फैन ऑफ हो गया, मतलब पूरा बाएं तरफ घुमाने से ऑफ हो जाएगा। और ये देखिए 1 2 3 करके ये बढ़ेगा, बढ़ रहा है ये फुल, ठीक है। यहाँ पे एक LED है, इसमें
ये भी ग्लो करेगा जब इसको देखिए आप, धीरे धीरे ग्लो कर रहा है क्योंकि इसमें एलडीआर लगा हुआ है और एलडीआर उसी से डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो अभी ये ऑफ हो गया। तो अभी मैनुअल मोड से रिमोट मोड में लाने के लिए ये मेनू बटन है, ठीक है, इसको मेनू बटन में सेट किया है। अभी देखिए आईआर मोड आ गया, आईआर मोड में ये पॉट काम नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉट काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो फिर पॉट से काम नहीं करेगा तो यहाँ पे रिमोट से काम करेगा। देखिए फैन मोड 1, 2, 3 ऐसा करके ये ऑफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट 5 का भी बटन है, ये 5 बटन है, ये 1 है, ये 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 10 हाई स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलईडी भी ग्लो कर रहा है। अभी देखिए 5 में दे रहा हूँ तो 5 में थोड़ा ये डिम हो गया, तो ये बटन से ये काम कर रहा है फैन स्पीड। ठीक है, और इसको 0-0 दबाने पर ये डायरेक्ट फैन ऑफ। ओके, तो ये नॉर्मली जैसा था। और इसमें ई पी रोम का सिस्टम भी है, ई पी रोम का जो फैसिलिटी है वो है कि लास्ट टाइम जो सिस्टम में ये था, जो स्टेट में था, वही स्टेट में ये रहेगा दोबारा पावर आने पर। ठीक है, तो अभी ये ऑफ दिखा रहा है तो इसको हम लोग अभी कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो अभी रिमोट ले लेते हैं। तो ये रहा रिमोट, इसमें बल्ब 1 को जला देते हैं, बल्ब 1, और ये फैन को हम लोग 3 पे रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फैन ऑन, बल्ब 1 ऑन। ठीक है, अभी पावर को हटा देते हैं। ये रहा पावर, देखिए पावर हटा दिया। ठीक है, अभी फिर से पावर दे रहे हैं, देखिए बल्ब 1 ऑन, फैन ऑन और 3 पे है। ठीक है, अभी चाहे तो और भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 5 में रख दिया, ठीक है, ये 5 मोड में है। और अगर यहाँ से आपको डायरेक्टली इसमें जाना है, मतलब ऑटोमेटिक से मैनुअल में जाना है, या आप रिमोट के माध्यम से भी जा सकते हैं यहाँ यहाँ से। ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपके पास रिमोट अभी हाथ में नहीं है तो आप डायरेक्ट पोर्ट से भी इसको कर सकते हैं, उसका भी सिस्टम है। और अगर आप रिमोट में हैं तो रिमोट से भी कर सकते हैं। देखिए ये ऑटो सेंसर मोड और ये मैनुअल मोड। तो मैनुअल मोड में अभी ये बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको ही घुमाना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो देखिए ये काम कर रहा है। तो अभी इसमें अगर यहाँ पे भी एक बटन है, उस बटन को प्रेस करके मैनुअल मोड जा सकते हैं। ठीक है, मतलब बोर्ड से ही आप ऑन करके उसको कर सकते हैं। तो ये 2 सिस्टम हो गया, और तीसरा है बजर, चौथा है ये एसी डिमर। तो ये लास्ट टाइम जो एसी डिमर का हम लोगों ने बियर बोर्ड पे बनाया था, उसी को इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पावर फेल्योर में भी सेम है। मान लीजिए बल्ब 2 भी ऑन कर दिया, ठीक है, तो अभी बल्ब 1, बल्ब 2 ये दोनों ऑन है, मतलब ये 2 रिले ऑन है, और ये इसमें डिमिंग है 8। ठीक है, और अभी कौन सा मोड पे है वो उसको भी देख लेते हैं, आईआर मोड पे कर लेते हैं। ठीक है, आईआर मोड पे ये नंबर 8 पे है। ठीक है, तो अभी पावर को हटाते हैं। देखिए पावर को हटा देते हैं, पावर हटा दिया, ये ऑफ हो गया, ये माइक्रो कंट्रोलर टोटली ऑफ हो गया, इसमें और भी कहीं से भी पावर नहीं आएगा। तो इसको फिर से पावर देते हैं, तो देखिए पावर दे दिए, अभी सेम सिस्टम में अभी है, बल्ब 1, बल्ब 2 ऑन है और फैन है 4 पे। तो देखिए अब इसको हम लोगों ने बोर्ड पे फिटिंग कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारा वायर का कनेक्शन है, आपको समझ में नहीं आएगा शायद, वो जो मैंने सिमुलेटर में दिखाया था उससे आपको समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे स्विच का कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, स्विच पिन में, मतलब यहाँ पे जो स्विच है उसको एसी कनेक्शन से हटा दिया है। और यहाँ पे ये जो ये प्लग है 4 पिन, इसी से इसको पावर मिल रहा है, मतलब ये अडाप्टर से कनेक्ट है, अडाप्टर 5 वोल्ट अडाप्टर इसको पावर दे रहा है। इसमें बोर्ड है, पूरा बोर्ड, जो बोर्ड दिखाया था आपको, यहाँ से एसी लाइन निकल रहा है। ठीक है, ये योलो वाला जो है ये फेज इन है, और ये जो एक जाता है फैन को ये जाता है, ठीक है, ये लाइट को जाता है, ये जाता है दूसरा लाइट को। ठीक है, मतलब 2 लाइट कनेक्टेड है अभी तक, ये जो
अभी अभी जो एलईडी बल्ब जल रहा है ये एक नंबर पे है, देखिए ये बल्ब वन इज़ ऑन, ठीक है, और फैन दो पे है, मतलब फैन जो है वो घूम रहा है लेकिन थोड़ा स्लो घूम रहा है। तो इसका सब कनेक्शन हो गया है, अभी देखते हैं स्विच में और इसमें कैसे काम करता है। तो देखिए मैं इसको इसको लाइट को ऑफ कर देता हूँ, इसका लाइट ऑफ हो गया, ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा शायद थोड़ा थोड़ा, इसमें मैंने एक टेप लगा दिया इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, इसका लाइट को जला देते हैं। ओके, अभी ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा बल्ब का बटन, ठीक है, बल्ब ऑन, अभी तो ऑन है, तो ये ऑन है तो इसको दबाते हैं, तो क्या होगा, ये ऑन है तो अभी ऑफ करना होगा मैनुअली, तो इसको दबाने से ये बल्ब ऑन ऑफ हो गया। ओके, फिर से इसको दबाने से ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये जब कनेक्ट होता है तो ये ऑन होता है, यहाँ पे ऑन दिखा रहता है, और इसको जब ऑफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये रहा सिस्टम, इसमें इसको रिमोट से भी कर सकते हैं, ये ऑन ऑफ, ठीक है। बल्ब टू का भी सेम सेटिंग है, यहाँ पे बल्ब टू है, देखिए ऑन हो गया, एक बीप करके साउंड भी आ रहा है, ठीक है, बल्ब टू ऑन, बल्ब टू ऑफ, ओके, बल्ब वन ऑन, और बल्ब थ्री में अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। और ये फैन का जो पॉट था वो यहाँ पे लगा दिया, जो फैन का सिस्टम था वहीं पे लगा दिया, ये फैन का सिस्टम है। अभी जो फैन है वो आईआर मोड पे है, ठीक है, आईआर मोड पे अभी है, आपको दिखा देता हूँ आईआर मोड, देखिए ये हो गया ऑटो मोड, ऑटो मोड को तो अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है, मैनुअल मोड, मैनुअल मोड में अभी फैन ऑफ हो गया, देखिए, क्योंकि इसमें पॉट को पूरा इधर घुमाया हुआ है, ठीक है, तो इसको धीरे धीरे इधर घुमाएंगे तो ये फैन ऑन हो जाएगा, अभी ऑन पे आ गया, देखिए इसको घुमा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, फैन का स्पीड भी बढ़ रहा है, ठीक है, फैन का स्पीड बहुत ही बढ़ गया, 7 पे आ गया, इसको फिर से कम कर देते हैं, ये 3 पे आ गया, कम हो गया, ये 2 पे आ गया, ठीक है। और अगर इसको रिमोट कंट्रोल मोड पे लाएंगे, आईआर मोड पे, अभी देखिए आईआर मोड पे ये 2 पे है, ठीक है, तो अभी तो ये पॉट काम नहीं करेगा, तो मान लीजिए रिमोट मुझे मिल नहीं रहा है तो मैन्युअली मुझे करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फैन का स्विच है, ठीक है, तो फैन का स्विच को ऑन करना है और इसको घुमाना है तो ये मैनुअल काम करेगा, इसको ऑफ करेंगे फिर ये रिमोट मोड पे चला जाएगा, मतलब इसमें और काम नहीं करेगा, देखिए काम नहीं कर रहा है, अभी रिमोट से इसको कम करना होगा, अभी ये कम हो रहा है, 4 पे आ गया, 3 पे आ गया, 2 पे आ गया, तो अभी देखिए इसको ये पूरा सर्किट को ऑफ करते हैं, ठीक है, इस पूरा सर्किट को ऑफ करते हैं, मान लीजिए पावर चला गया तो ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया, अभी देखते हैं लास्ट स्टेट ये सेव रखता है कि नहीं, तो इसको ऑन करते हैं, देखिए जैसा था, बल्ब वन ऑन और फैन दो पे, तो ये सक्सेसफुली हो गया। तो ये वीडियो आपका अगर अच्छा लगा हो और इसको अगर बनाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा वीडियो, और अगर ये कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको ये बना हुआ ऑर्डर करना है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसको आप परचेस भी कर सकते हैं विद LCD और विदाउट LCD, एनी ये मिल जाएगा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।